सर्दी के मौसम में आलू गोभी की सब्जी घर घर में बनती है, पर ढाबे में जो आलू गोभी की सब्जी मिलती है उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं सब। तो चलिए आज हम बनाते हैं वही ढाबे वाली आलू गोभी की सब्जी, जिसे आप रोटी, पराठा, नान या फ्राइड राइस किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को बारीक काट लेंगे और उसे सरसों के तेल में हल्का सा गोल्डन होने तक तल लेंगे। प्याज में हल्का सा कलर आने लगा है, इसे हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। प्याज में बढ़िया कलर आ चुका है, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर उसका एक पेस्ट बना लेंगे। गोभी को थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काट लें और उसी सरसों के तेल में फ्राई कर लें। गोभी को थोड़ा बड़ा ही रखें, नहीं तो वो गल जाएंगे। यहाँ हम आलू गोभी को सरसों के तेल में ही पकाएंगे। अगर आपने कभी ये ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करें, आप दोबारा किसी और तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है, अब हम उसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब बारी है आलू को फ्राई करने की, उसे भी मैंने मीडियम साइज में काट लिया है। आलू या गोभी को फ्राई करते वक्त मैंने नमक या हल्दी का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो इस स्टेज पर नमक और हल्दी डाल सकते हैं, पर ग्रेवी बनाते वक्त नमक का ध्यान रखें। आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम उसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम थोड़े खड़े मसाले लेंगे, जैसे हरी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। इन्हें तेल में डालकर थोड़ी देर फ्राई करें और फिर टमाटो प्यूरी डालें। टमाटो प्यूरी को अच्छे से फ्राई करें जब तक कि तेल साइड से ना निकलने लगे। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें तले हुए प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए इसमें हम फेटी हुई दही डालेंगे और सभी मसालों को दोबारा अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से मिला लें। मैं धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, इसलिए बाद में डाल रही हूँ। अब हम हल्का सा गुनगुना पानी डालकर ग्रेवी को 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए गोभी और आलू को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू गोभी की इस सब्जी को दोबारा ढक कर 2 मिनट के लिए पकाएं ताकि गोभी अच्छे से नरम हो जाए। अब हम इसमें कसूरी मेथी,
हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, पर यकीन मानिए आलू गोभी की सब्जी हमेशा थोड़ी सूखी सूखी ही अच्छी लगती है। आंच को बंद करने से पहले थोड़ा सा गरम मसाला डालें और अच्छे से मिक्स करें। तो तैयार है हमारी ढाबा स्टाइल आलू गोभी की सब्जी। इसे आप नान, पराठा, रोटी, फ्राइड राइस, किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें।